आपसी जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष एक की मौत। बरहरवा थाना क्षेत्र के बीते दिन 8/8/2019 को पंचायत जामपुर के रूपुर ग्राम में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार की देर रात दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का खेल घंटों चला, जिसमें घटनास्थल पर ही नकुल मंडल उम्र 32 वर्ष ब्रिजेश्वर मंडल की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बरहरवा थाना गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां मौके पर मौजूद डॉक्टर कालिदास मुर्मू के द्वारा नकुल मंडल को मृत करार दे दिया। वहीं नकुल मंडल के भाई अर्जुन मंडल उम्र 35 वर्ष, उत्तरा मंडल उम्र 28 वर्ष, नकुल मंडल की पत्नी राखी देवी उम्र 27 वर्ष के साथ साथ जयंतो मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल का इलाज कर अर्जुन मंडल को बेहतर इलाज हेतु रेफर किया गया। वहीं दूसरी पक्ष में वीरेंद्र मंडल उम्र 45 वर्ष एवं जयंती मंडल भी घायल थे, जिसमें बरहरवा थाना कांड संख्या 314/19 तहत धारा 147, 148, 149, 323, 324, 302, 120 बी भादवी यह कांड वादनी राखो देवी के बयान के आधार पर दर्ज किया गया। इसके प्राथमिक अभियुक्त विपिन मंडल पिता ब्रेन मंडल, सपन मंडल पिता किस्तो मंडल, रंजीत मंडल पिता किस्तो मंडल, तीनों सकीम रूपपुर थाना बरहरवा जिला साहिबगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। खबर 365 न्यूज के लिए पटना प्रखंड से शंभू कुमार की रिपोर्ट। तो सर जो घटना हुआ जमीन विवाद को लेकर, उसमें सर एक को सर हत्या किया गया, इस मामले सर क्या है सर? जमीन विवाद पे मारपीट की सूचना प्राप्त होती थाना प्रभारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और वहाँ पे पहुँच के कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी घायल थे उनको इलाज हेतु भेजा गया। इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है, आगे कार्रवाई चल रही है। विधि व्यवस्था को संधारण हेतु वहाँ पे पुलिस फोर्स की कैंप कराया गया था। दो रात से दो दिन कंटिन्यू पुलिस वहाँ पर रही है और भी विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि विधि व्यवस्था के संधारण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सर आए दिनों सर भूमि विवाद को लेकर सर इस तरह का घटना होती है, इसमें सर पुलिस का मतलब क्या भूमिका है सर? देखिए पुलिस की भूमिका यह है कि जब पुलिस को सूचना प्राप्त होती है तो अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग अविलंब कार्रवाई करते हैं, जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ 107 की कार्रवाई भी की जाती है, और अगर जहाँ पे ऐसा लगता है कि प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है तो